वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और आपका स्वागत है इन माय चैनल गुटेक प्लस। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था मैटर क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं और पार्टिकल्स का एविडेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर। हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैटर जो है, मैटर को मेनली टू बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर को इन दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। आपके इस चैप्टर में जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अभी बड़ी बड़ी इसे नोट डाउन करो। अभी हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या होता है ये समझाने से पहले आपको ये और बता देता हूं, इसमें क्या है कि दो टर्म और है, इसमें दो टर्म और है। वो टर्म है रेजिड एंड फ्लूइड। अब रिजिड और फ्लूइड क्या होता है? रिजिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यही कह सकते हैं, रिजिड ऐसा मैटर होता है जो कि अनबेंडेबल होता है, अनबेंड होता है, वो मुड़ नहीं सकता और ना ही वो फ्लैक्स हो सकता, मतलब कि अनबेंडिंग एंड अनफ्लेक्सिबल। ऐसा कोई मैटर ना ही उसे मोड़ा जा सके ना ही उसे खींचा जा सके, ऐसे मैटर को रिजिड की कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी मैटर होंगे जिनको ना ही हम जो है कि उन्हें खींच सकते और ना ही उन्हें बेंड कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे? रिजिड में आएंगे। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड होंगे वो सारे के सारे रिजिड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और फ्लूइड मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब ये है कि ऐसा टर्म, इसका मतलब ऐसे मैटर, दे कैन बी बेंड और दे कैन बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, उन्हें बेंड भी किया जा सके और वो फ्लेक्सिबल भी हो सके। इसका मतलब ये जो लिक्विड और जो गैस है, लिक्विड और गैस फ्लूइड में आते हैं और सॉलिड रिजिड में आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? रिजिड में सॉलिड आता है, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज। इसे पहले रफ कर देता हूं, तब ये तो क्लियर हो गया कि भाई मैटर को जो है क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया गया है एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप पहचानोगे कैसे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज के माध्यम से क्या है हम इन्हें पहचान सकते हैं वो सॉलिड है या गैस है या फिर लिक्विड है, ठीक है। नंबर वन, थोड़ी इसमें इंक खराब, इंक खत्म हो गई, इंक भर देता हूँ, हो गया, चलो ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चों, सॉलिड को या लिक्विड को, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उन्हें पहचानने की उनकी उनकी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो है द सॉलिड्स
हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप भी फिक्स होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, इसका मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग। द सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड्स होते हैं वो अपने कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। सॉलिड जितने भी हैं वो अपने कंटेनर को फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं करता। यदि वो सॉलिड है, कोई भी मैटर यदि सॉलिड है तो वो कभी भी फ्लो नहीं करता, ठीक है। लास्ट है द सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि मेरे पास कोई सॉलिड पीस है, अगर मैं उसे जितना दबाने की कोशिश करूंगा ना, वो दबेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड है ना, वही तो प्रॉपर्टीज है। ये चार पांच प्रॉपर्टी है सॉलिड को पहचानने की, ठीक है। इन पांच प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या है, हम पहचान सकते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉलिड, इन्हें नोट डाउन करो। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देन प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ओके, नोट डाउन करो। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज ये है द लिक्विड्स डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती, लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती, बट उनकी जो वॉल्यूम है ना, लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है द लिक्विड्स आर लेस डेंस, या हम ये कह सकते हैं लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी लो होती है। द लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को हम कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट द लिक्विड्स कैन बी फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लूड है। लिक्विड क्या है, फ्लूड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है और लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी, लिक्विड के पास लो डेंसिटी होती है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता। और लिक्विड्स कैन बी फ्लो, लिक्विड फ्लो करते हैं। जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है द लिक्विड्स कैन नॉट फिल देयर कंटेनर।
कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी अपने कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। ये रही पांच प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। लिक्विड को पहचानने की प्रॉपर्टीज ये है, यदि ये प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर पे अप्लाई हो रही है इसका मतलब वो लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड हैव लो डेंसिटी। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड कैन बी फ्लो इजीली एंड लिक्विड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये रही लिक्विड की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब गैस की प्रॉपर्टी, भाई गैस को आप कैसे पहचानोगे? तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है द गैसेस, और वी कैन से द गैस गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों कभी भी गैस का ना तो शेप फिक्स होती और ना ही कभी उसका वॉल्यूम फिक्स होता। द गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। बच्चों गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। द गैसेस कैन फ्लो इजीली। गैस आसानी से फ्लो हो सकती है। द गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ध्यान रखना ओनली गैस ही अपने कंटेनर को फुलफिल करती है। द गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली एट लास्ट। The gases neither have fixed shape nor fixed volume. The gases can be compressed easily. The gases can flow easily. The gases fill their container completely. And last जो है, gases की जो density होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा low होती है। The gases have very low density. गैसेस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, ठीक है। ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको सॉलिड की भी प्रॉपर्टी बता दी, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी बताई है और गैस की भी प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है। अभी ये डिसाइड करना, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहचानोगे कैसे। अभी आपको प्रॉपर्टीज तो मालूम पड़ गई, लेकिन कोई भी मैटर कैसे डिसाइड करता है अपने आप को, क्या वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो गैस में एग्जिस्ट करेगा, वो तीन कारणों की वजह से कोई भी मैटर या तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है या तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बताऊंगा, पहले से नोट डाउन करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो रीजन जो मैंने अभी बताए थे आपको, ऐसी कौन से तीन रीजन है जिन तीन रीजन की वजह से कोई भी मैटर या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, वो रीजन ये है। फर्स्ट रीजन है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर यदि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा तो ये समझो कि वो गैस की कैटेगरी में जा रहा है। यदि स्पेस पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा होगा ये समझ लेना कि वो गैस की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्पेस होगा, अगर स्पेस कम होगा तो वो लिक्विड की कैटेगरी में जा सकता है। यदि उसमें स्पेस है ही नहीं है, ये कह सकते हैं बहुत लेस स्पेस है, बहुत मिनिमम स्पेस है, तो वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। बच्चों अगर यदि स्पेस पार्टिकल के बीच में ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। यदि स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा और पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट यही तो है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। यदि भाई जिस पार्टिकल की मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
और उतना ही कम उसका जो है उतना ही ज्यादा उनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ यदि मैं लिखना चाहूँ इधर दैट वन नोट पॉइंट है, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा पार्टिकल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो उतना ही ज्यादा होगा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। भाई जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, और यदि जितना स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है ना, यही कह सकते हैं काइनेटिक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल उतनी ही ज्यादा होगी। समझे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल की मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी तो ये समझ लेना कि वो गैस गैस की फॉर्म में जाने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट गैस पार्टिकल की होती है, उससे कम मूवमेंट लिक्विड पार्टिकल की होती है, और उससे भी लेस बहुत कम होती है सॉलिड पार्टिकल की। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा होगा तो ये समझ लेना स्पेस उतना ही कम होगा, और जितना कम स्पेस होगा तो उतनी ही कम उन पार्टिकल की मूवमेंट होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई। लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर लेसर बी द स्पेस, सॉरी लेसर बी द मूवमेंट ना, सॉरी अगर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स जितना कम होगा, जितना फोर्स पार्टिकल के बीच में कम होगा तो उतना ही ज्यादा जो स्पेस है वो उतना ही ज्यादा होगा, और जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ आ गया, बहुत आसान बहुत इजी पॉइंट है, इतना भी कुछ सोचना और समझना नहीं है। सही था, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, यदि पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा तो ये समझ लेना कि उतना ही पार्टिकल की मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, अगर मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम है। ठीक है, इतना समझ आ गया, ऐसे नोट डाउन करो, आप इसे नोट डाउन करो, और कुछ और प्रॉपर्टीज को अभी जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई थी सॉलिड लिक्विड गैसेस की, अभी उन्हें क्या है थोड़ा एलिबरेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखो जरा, व्हाई द सॉलिड सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है भाई, जो सॉलिड है, सॉलिड के पास उसकी शेप भी फिक्स होती है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वाई वो रीजन देखना, वो इसी से सॉल्व होगा। वो मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही तीन कारण है जो कि डिसाइड करते हैं या तो वो मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और एक और क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, एंड जो थर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड का मतलब क्या भाई, सॉलिड भाई फिक्स, सॉलिड की जो है उसकी शेप भी और लिक्विड वॉल्यूम भी दोनों फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, अगर बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है तो इसका मतलब जो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल है वो बहुत कम है, स्पेस कम होगा पार्टिकल के बीच में जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उतना ही कम उनकी जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो उतनी ही कम होगी, जिसकी वजह से जो सॉलिड है उसके पास फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है,
लेकिन अभी हम बात करते हैं लिक्विड की। भाई जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एकदम, और ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ऑर्डरली अरेंज जो पार्टिकल होते हैं ना सॉलिड के बीच में, सॉलिड में जो है कि पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डरली अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि मैंने कोई ले लिया, ये मैंने सॉलिड पीस ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो ऑर्डरली अरेंज होंगे, चिपक के होंगे, एकदम चिपक के और ऑर्डरली अरेंज होंगे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल जो है कि इधर है उधर है वगैरह, ऐसा नहीं होगा। नो, पार्टिकल्स होंगे ना वो एकदम ऑर्डरली अरेंज होंगे। यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के पास क्या है, शेप तो उसकी अनफिक्स होती है, यही कह सकते हैं, शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स होता है। जो लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो लिक्विड का क्या है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये समझ लो क्यों होता है। एक बात तो आपको ये पता होगी कि जो वॉल्यूम जो है, इसका मतलब जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, भाई फ्लो कर सकता है। और ये है कि भाई जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और एक भी पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज नहीं लगा रहता, पार्टिकल जो है ऑर्डरली अरेंज नहीं लगे रहते। यदि ऑर्डरली अरेंज लगे रहेंगे तो ना ही वो मूव कर सकता बिल्कुल भी, कहीं भी बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा, वो सॉलिड होगा, ठीक है। जो लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं, इरेगुलर ऑर्डर, ठीक है। और ये क्लोजली पैक भी नहीं होते हैं, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, स्पेस होगा तो मतलब पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर पार्टिकल इधर उधर मूव कर सकते हैं उसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। यदि बात बताऊं नेक्स्ट गैस की, तो गैस का ना तो भाई नाइदर शेप फिक्स नॉर वॉल्यूम फिक्स। यदि मैं गैस की बात करूं तो गैस में जो है कि ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता, ना ही उसकी शेप फिक्स होती। और सही तो है, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स और ना ही उसका शेप फिक्स। वो इस वजह से फिक्स नहीं होता क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि ये कोई गैस ये है तो एक पार्टिकल इतनी दूर होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, फिर भी मैंने ये बना दिया इतने पास, काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना गैस के अंदर, गैस के पार्टिकल के बीच में, वो बहुत ही मिनिमम होता है। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ, जो गैस के पार्टिकल जो है ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर दूर तक जा सकते हैं तो पार्टिकल के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर स्पेस भी ज़्यादा होगा तो पार्टिकल बिल्कुल भी अरेंजली ऑर्डरली अरेंज नहीं है। कोई पार्टिकल इधर है तो कोई पार्टिकल उधर होगा, कोई इधर है तो कोई उधर है, ठीक है। इसकी वजह से जो गैस के पास, गैस जो है उसका शेप भी फिक्स नहीं होती और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। बट लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली क्योंकि स्पेस प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होता है, मिनिमम होता है, बट वी कैन नॉट कंप्रेस इट, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड ना हो, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता प्रेजेंट, वो ऑर्डरली अरेंज होते, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। एक और लाइन लिख लो, टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी आपका नेक्स्ट लेवल पे आएगा, 10th स्टैंडर्ड में, अभी इसमें नहीं है, या हो सकता है आगे वाले चैप्टर में हो, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में है। तो ये रहा, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आपको क्लासिफाई करके बता दिया सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, क्यों एग्जिस्ट, वो सॉलिड सॉलिड लिक्विड और गैस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिफ्यूजन और उससे आगे का, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।